हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 से 5 के वर्कशीट क्रमांक 12 पर कार्य करेंगे। यह वर्कशीट प्रयास अभ्यास पुस्तिका राज शिक्षा केंद्र भोपाल से हमारा घर हमारा विद्यालय के चरण 3 के लिए दी गई है, जिसमें आपको यह पुस्तिका विद्यालय से प्राप्त होगी, जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपको पूर्ण करके संपूर्ण जानकारी भर करके हल करके आपको जमा करना है। इस वर्कशीट प्रयास पुस्तक की वर्कशीट संपूर्ण वर्कशीट हल करने पर आपको 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसलिए गर्मियों की छुट्टी में आप अपने घर पर इसे तैयार कर और अपने विद्यालय में जमा करेंगे। तो आइए हम देखेंगे इसमें कि वर्कशीट 12 को कैसे हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सकेगी। हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 12, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर है देखो सोचो और बात करो। तो इस वर्कशीट में हमको इस चित्र के माध्यम से देखना है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सोचेंगे कि जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है, क्या हो रहा है, इसके विषय में सोचेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इस चित्र को देखने के बाद में हमें समझ में आ रहा है कि एक किसान जो है बैल की सहायता से हल चला कर के ज़मीन को जोत रहा है। उसी के पास में एक कुआँ है और ये सुरक्षा की दृष्टि से फाटक लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, मकान है, मंदिर है और एक किसान और किसान की पत्नी खाद जो है गोबर खाद उसको उठा उठा करके अपने खेत में डालने के लिए ले जा रही है। बैल बंधे हुए, गाय बंधी हुई, कुत्ते भी हैं, बच्चा टायर खेलते हुए चाक खेलने के लिए तैयार है और एक उसकी माँ जो है वो भी खाद ले जाने के लिए तैयार है। इधर एक घर में एक किसान बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा है अपने खेत जाने के लिए, ये खाद जो है रखी हुई है। इस तरह से इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पेड़ है, पौधे हैं और आकाश, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसमें चर्चा कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 2 है पैटर्न आगे बढ़ाइए। यहाँ पर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न इसको उदाहरण स्वरूप समझना है, उदाहरण इसी को देख करके हमारे अगले पैटर्न को बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए आप पैटर्न को अच्छे ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से पैटर्न बने हुए। अब यहाँ पर सेकंड में देखेंगे पैटर्न बना हुआ है और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना, तो हमने यहाँ तैयार कर दिया इस पैटर्न को, ये वाला और इसके सेकंड में ये वाला। तो इस तरह हम पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद देखिए आप तीसरे नंबर पर एक कोना खाली है यहाँ पर, तो एक कोना खाली ये वाला आ जाएगा और सेकंड में ये वाला आ जाएगा। अगला पैटर्न है 4th, इस तरह से पैटर्न बने हुए, हमें इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना, तो इस तरह से हम बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, गिनो और सही संख्या पर घेरा लगाइए। हमको गिनना है और सही संख्या पर घेरा लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ है 4, 5, 3, तो 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पर जो 4 की जो संख्या है इस पर घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है और 6, 7, 8 यहाँ दिया हुआ, तो 7 में हम घेरा लगा देंगे। इसके बाद टोपे दिए हुए 1, 2, 3, 3 पर घेरा लगा देंगे। कुत्ते हैं 1, 2, तो 2 पर घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखिए लोटा रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो 8 में घेरा लगा देंगे। इसके बाद मग्घा रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 में घेरा लगा देंगे। वृक्ष लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो 9 में घेरा लगा देंगे। बिल्ली बैठी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 में घेरा लगा देंगे। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है 1, तो 1 में घेरा लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 3, बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। तो हम जो मकान का जो चित्र बना है, बिंदु को मिलाने पर हमें मकान पूरा बना हुआ मकान की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। देखिए आप बिंदु को मिला देंगे, तो इस तरह से हम बिंदु को, सारे बिंदु को मिला देंगे। और आपके पास अगर कलर वाली स्याही या पेंट है
या पेंसिल है या स्केच है जो भी है आपके पास कलर वाले, तो उससे कलर आप इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप जो भी अपने मनपसंद कलर करना चाहेंगे आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद मछली का जो है, मछली बनी हुई है यहाँ, इसे भी हम बिंदु से बिंदु को मिला देंगे तो इस तरह से आकृति, कुछ ऐसी आकृति तैयार हो जाएगी जो मछली की रहेगी, और इसमें हम कलर कर देंगे तो कलर करने पर और आकर्षक मछली दिखाई देने लगेगी। इस तरह से हम बिंदु को मिला करके कलर कर देंगे तो बहुत सुंदर जो है यहाँ आकृति तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हम वर्कशीट 12 को हल कर लेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 13 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।